धर्म धाद छौ लगाण सुन ल्यावा धर्म धाद छौ लगाण सुन ल्यावा हे उत्तराखंड एकजुट एक मुट हे जवा जाग जवा एकजुट एक मुट हे जवा जाग जवा एक मुठ रे जावा जाग जावा नमस्कार। हाँ, मेरा नाम है सुनीलदत्त बर्थवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिवनिया पहाड़ में। तो जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है, आप लोगों के मन में एक बात चल रही होगी कि ये उत्तराखंड के इतने लोग आज सड़कों पर क्यों हैं, क्यों आज इन लोगों को सड़कों पर आने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो चलिए बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये लोग आज उत्तराखंड में सड़कों पर निकले हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लोग सड़कों पर क्यों हैं। ये लोग सड़कों पर निकले हैं मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा कि मूल निवास क्या है और भू कानून क्या है। तो पहले भू कानून की बात कर लेते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। जी हाँ, 24 दिसंबर यानी कि रविवार को देहरादून की सड़कों पर एक हुजूम मोड़ पड़ा। बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग सड़कों पर थे और उनका एक ही नारा था कि मूल निवास और सशक्त भू कानून। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि मुद्दा क्या है, जहां ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या भू कानून है और क्या मूल निवास है। तो सन 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य बना। असल उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है और एकमात्र ऐसा हिमालय राज्य है जहां बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की जो हमारी ज़मीन है उसको गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद रहे हैं। जी हाँ, हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं और बाहर के लोगों को बेच रहे हैं और उस ज़मीन का जो उपयोग है वो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 2000 में राज्य बनने के बाद कई भू कानून बने, लेकिन एक ऐसा भी भू कानून नहीं बना जिससे राज्य की ज़मीन राज्य के बाहर के लोग न खरीद पाए। जी हाँ, सशक्त भू कानून लागू नहीं होने से
जो हमारी ज़मीन है उसको बाहर के लोग खरीद रहे हैं और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद रहे हैं, और जो हमारे राज्य के संसाधन हैं, जो हमारे कृषि संसाधन हैं, और उस पर जो है बाहर के लोगों का एक कब्जा हो रहा है। तो इसलिए ये लोग भू कानून की मांग को लेकर रविवार को सड़कों पर निकले थे। भारी हुजूम था लोगों का, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, सब सड़कों पर थे और सबका एक ही नारा था कि भू कानून लागू करो और मूल निवास को 1950 की तर्ज पर दर्जा दिया जाए। सन 2000 में राज्य गठन के बाद भू कानून ने बहुत से नियम बने, लेकिन कोई सशक्त ठोस भू कानून नहीं बना, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के बाहर के लोग इन ज़मीनों हमारी ज़मीनों को ले रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं, उन संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। राज्य के बाहर के लोग बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीनों को खरीद रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं, और जब वो ज़मीन खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संसाधनों पर भी उन्हीं का कब्ज़ा होगा। देश के दूसरे राज्यों में कृषि भूमि से जुड़े या ज़मीन खरीदने से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। और हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहाँ भी ज़मीन खरीदने और बेचने से जुड़े सख्त नियम है और वहाँ भू कानून लागू है। तो ऐसे ही भू कानून की मांग भी हमारे उत्तराखंड में उठ रहा है और इसकी मांग हो रही है और होनी भी चाहिए। हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, तो यहाँ इन चीज़ों पर हमारा ही पहला अधिकार होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं यमकेश्वर से आता हूं, पौड़ी से, तो वहां पर मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यहां के लोग बड़े पैमाने पर उन ज़मीनों को ले रहे हैं और उन पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं, और जो हमारी कृषि भूमि थी जहाँ कभी गेहूँ की फसल होती थी, धान की फसल होती थी, वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बन चुके हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए आज हमारी वो भूमि हमसे छीनी गई है, हमने वो बेच दी है। तो यही इसलिए ये मांग है कि सशक्त भू कानून लागू हो कि ताकि बाहर के लोग हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, हमारे जल हमसे न छीन पाए, हम पर ही, हमारा ही उन पर हक हो, ना कि उन लोगों का उन पर अधिकार हो। तो इसलिए इस भू कानून की मांग बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ये थी भू कानून की बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, और अब बात कर लेते हैं कि मूल निवास की मांग क्यों की जा रही है। अब ये समझने की बात करते हैं कि मूल निवास क्या है और मूल निवास 1950 के बाद क्यों हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में 1950 में मूल निवास की समय सीमा लागू करने की मांग की जा रही है। पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए ही सन 2000 में हमारा राज्य उत्तराखंड बना, लेकिन जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने एक कानून लागू किया था और उस कानून का दुष्प्रभाव यह था कि वो जो हमारा मूल निवास है उसकी कट ऑफ 1985 तय कर दी थी। दरअसल हमारे पूरे देश में ये है कि जब 1950 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो तभी 1950 की मूल निवास की कट ऑफ थी, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य में जब हमारे पहले मुख्यमंत्री बने और राज्य का गठन हुआ तो इसको 1985 तय कर दी थी। और इससे क्या हुआ कि जो मूल निवासी है वो पिछड़ते गए और स्थायी निवास को वरीयता मिलने लगी, और जबकि पूरे देश में इसकी कट ऑफ जो है 1950 है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी कट ऑफ 1985 है और मूल निवासी जो यहाँ के हैं वो पिछड़ते गए और जो यहाँ के स्थायी निवासी बने उनको हर जगह वरीयता मिलने लगी। वर्ष 2012 में उत्तराखंड कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जो 9 नवंबर 2000 के बाद जो भी व्यक्ति इस उत्तराखंड में रह रहा है वो उसको यहाँ का मूल निवासी ही माना जाए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे थे, यानी कि राज्य गठन से पहले से भी रह रहे थे, कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। आप बात करें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड की, तो यहाँ भी ये भी हमारे बाद बने, हमारे आस राज्य बने हैं, लेकिन यहाँ पर 1950 की तर्ज पर ही मूल निवास का जो है वो प्रावधान है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 1985 को कट ऑफ जारी करता है, और इससे क्या हो रहा है कि इससे जो हमारे मूल निवासी हैं वाकई में उनका हक मारा। तो ये मुद्दा था भू कानून और मूल निवास का। भू कानून में आप लोगों ने देखा है कि भू कानून में एक सशक्त भू कानून लागू करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़मीन हमसे कोई छीन न सके
और इस जब हम ज़मीन बेचते हैं खरीदते हैं तो उसके लिए एक अच्छा प्रावधान होना चाहिए, एक ठोस कानून होना चाहिए। और वही मूल निवास की बात करें तो दूसरे राज्यों की तरह, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इन राज्यों की तर्ज पर ही उत्तराखंड में मूल निवास को 1950 कर दिया जाए, 1950 इसकी कट ऑफ कर दी जाए, ताकि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको उसका हक मिले, उसको उसका अधिकार मिले। कहीं ना कहीं हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी है हम पिछड़ते जा रहे हैं, और बाहर से आए हुए लोग, दूसरे राज्य से आए हुए लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या दूसरे जगह हो, हर जगह वो फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, सशक्त भू कानून लागू करना चाहिए और जो मूल निवास है उसकी कट ऑफ 1950 कर दी जाए, जो कि दूसरे राज्य जब 1950 की तर्ज पर हैं तो उत्तराखंड को भी 1950 की तर्ज पर ही इसकी कट ऑफ कर दी जाए, ताकि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उसको उसका हक मिले और अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए वो उसको बार बार सड़कों पर ना आना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भू कानून और मूल निवास की मांग क्या है, क्यों है और किस वजह से इसकी मांग की जा रही है और क्यों लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्दी एक नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए समय पहाड़ के साथ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। धर्म धाद छो लगाण सुन लियावा, धर्म धाद छो लगाण सुन लियावा, सुन लियावा हे उत्तराखंड, एक जुट एक मुट हे जावा जाग जावा, एक जुट एक मुट हे जावा जाग जावा, एक जुट एक मुठ हे जावा जाग जावा, धर्म धाद छो लगाण सुन लियावा हे उत्तराखंड, एक जुट एक मुठ हे जावा जाग जावा, एक जुट एक मुठ हे जावा जाग जावा, एक मुठ हे जावा जग जावा।